नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और अगर ये ट्रिक आपके समझ में आ गई तो आप सेकंड के अंदर बिना कॉपी और पेन के आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो उससे लिए पहले आपको एक से लेके 10 तक या और बड़ी संख्या निकालना है तो और आगे तक वर्ग लिख के रखेंगे, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का वर्ग 121, 12 का 144। ये आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब जैसे मैंने ये संख्या लिया है 3364, तो ये जो 33 है ये देखेंगे कि किसके वर्ग में आ सकता है, बड़ी नहीं लेंगे छोटी लेंगे। तो अगर 6 लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने लिया 5। अब 5 से बड़ी एक संख्या है 6, दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। तो देख रहे हैं कि ये जो 33 है वो 30 से बड़ा है। अच्छा, 4 जो है या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा, तो पहले इसको लिख के रखेंगे 2 8। तो देख रहे हैं कि 33 30 से बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या ले लिया, 5 के बगल में 8 लिखा, तो इसका 3364 का वर्गमूल 58 हो गया। ऐसे 4225 का लेते हैं तो 6 के वर्ग में ही लेंगे क्योंकि 7 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 6 × 7 = 42, तो 42। और देखिए यह 42 है, दोनों सेम है। और 5 जो है या इकाई 1 और 5 में लेंगे, तो चूंकि अगर जब सेम संख्या आ जाती है तो बड़ी वाली संख्या को लेते हैं, तो 6 के बगल में 5 रखा तो 65 हो गया। फिर आगे चलते हैं 2401 का, तो 1 किस में आता है, या तो 1 के वर्ग में आएगा या तो 9 के वर्ग में आएगा, और 4 का वर्ग ही लेंगे क्योंकि 5 का वर्ग 25 हो जाएगा जो 24 से बड़ा है। तो 4 लिखा, 4 × 5 किया तो 20 आया, जो कि 24 जो है 20 से बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम 1 नहीं लेंगे बल्कि 9 लेंगे, 49 हुआ। और एग्जांपल लेते हैं 4761 का, तो यहाँ भी देखिए 1 है तो 1 या 9 में 1 आता है, और 6 का वर्ग 36, 7 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 लिखा, 6 × 7 = 42, 47 जो है 42 से बड़ा है, इसलिए 1 न लेके 9 लेंगे, तो यहाँ पे 9 लिखा, 4761 का वर्गमूल 69 हो गया। और बड़ी संख्या लेते हैं 7396। अब 6 किस में आता है, या तो 4 में आता है, 4 × 16, या 36 में आता है, तो अब 8 का वर्ग 64, 9 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 लिख लिया, 8 × 9 किया तो 72 आ गया, तो 73 जो है 72 से बड़ा है, इसलिए ये बड़ी संख्या लिया, तो यहाँ पे 86 हो गया। और बड़ी संख्या चलते हैं 9801 में, तो 1 या 9 में ही 1 मिलेगा, 9 कवर करेंगे 81 होगा क्योंकि 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा जो 98 से बड़ा है, 9 लिया, 9 से एक बड़ी संख्या 10, 90 हुआ। अब 98 जो है 90 से बड़ा है, इसलिए 1 न लेके 9 लिया, तो 9801 का वर्गमूल 99 हो गया। और बड़ी संख्या चलते हैं 12321। अब 1 किस में आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 11 में आएगा, तो 11 का वर्ग 121 होता है, अगर 12 लेंगे तो 123 से ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले मैंने 11 लिख लिया, फिर 11 × 12 किया तो 132 हुआ। अब 123 जो है 132 से छोटा है, इसलिए 11 को नहीं लेंगे बल्कि हम 1 को लेंगे, तो 12321 का वर्गमूल 111 आ गया। और एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, 8464। अब 4 किस में आता है, या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा, और इधर देखिए 84 है तो 9 के वर्ग ही लेंगे 81, क्योंकि 10 लेंगे तो 100 हो जाएगा जो कि 84 से बड़ा है, तो पहले 9 लिख लिया, फिर 9 और एक बड़ी संख्या 10, 90 हुआ। 84 जो है 90 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 8 को नहीं लेंगे बल्कि 2 को लेंगे, तो ये देखिए 92 हो गया। तो अगर इसकी प्रैक्टिस मित्रों आप लोग कर लेंगे तो बिना कॉपी और पेन की, मेरी गारंटी है कि बिना कॉपी पेन का आप पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल
निकाल सकते हैं आसानी से, और ये दसवीं और नौवीं के विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगा। तो मित्रों YouTube पे पूरा देखिएगा वीडियो और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। धन्यवाद।